कुंभ राशि वालों के लिए गुरु का मीन राशि में गोचर उनकी जन्म राशि से द्वितीय भाव में रहेगा। द्वितीय भाव में गुरु का गोचर सामान्यतः शुभ फलदायक होता है। विभिन्न क्षेत्रों में गुरु का मीन राशि में गोचर कुछ इस प्रकार फलदायक रहना चाहिए। अपनी राशि से द्वितीय भाव में गुरु का गोचर शुभ फलदायक होता है। इसके शुभ फल प्रायः सभी क्षेत्रों में मिलने चाहिए। रुके हुए कार्यों में प्रगति होगी। उत्साह एवं पराक्रम बड़ा चढ़ा रहेगा तथा सकारात्मक मानसिकता का विकास होगा। प्रसन्नता एवं खुशी का अनुभव होगा। द्वितीय भाव में गुरु के गोचर का वेद स्थान द्वादश भाव है। इस प्रकार मकर राशि में जब जब अन्य किसी ग्रह का गोचर होगा तब तब गुरु के शुभ फलों में कमी का अनुभव होना चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से सामान्यतः गुरु का यह गोचर अनुकूल फलदायक रहना चाहिए। पूर्व में चली आ रही समस्याओं में भी राहत मिलेगी। उत्साह एवं पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा। निराशा दूर होगी और कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। इन दिनों नवोन्वेष की प्रवृत्ति भी रहेगी, जिसका प्रभाव करियर में स्पष्ट रूप से देखा जा सकेगा। परिवार एवं समाज के क्षेत्र में गुरु का यह गोचर अनुकूल फलदायक रहेगा। परिवार में मांगलिक कार्यक्रम संपन्न होंगे। विवाह योग्य व्यक्तियों के विवाह संपन्न होंगे। वही परिवार में भी जो सदस्य विवाह योग्य है उनके भी विवाह संभव होंगे। परिवार में वृद्धि होगी, इसलिए यदि आप संतान की अभिलाषा कर रहे हैं तो वह अभिलाषा पूर्ण होगी। यदि परिवार में अन्य नवदंपत्ति है तो उन्हें संतान की प्राप्ति संभव होगी। धार्मिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में सक्रियता बढ़ेगी। समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। यदि आप किसी सामाजिक संगठन में सक्रिय है तो वहां किसी पद की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्ति के योग है। आर्थिक दृष्टि से गुरु का जन्म राशि से द्वितीय भाव में गोचर शुभ फलदायक रहना चाहिए। धन संपत्ति में वृद्धि के अवसर आएंगे। पूर्व में किए गए धन निवेश से लाभ होने के योग है। इसके अतिरिक्त आय के नवीन स्रोतों का भी सृजन होगा। अचल संपत्ति, वाहन अथवा भौतिक सुख सुविधाओं के साधन क्रय करने के योग बन रहे हैं। अटके हुए धन की प्राप्ति संभव होगी तथा उधार या ऋण आदि के चुकारे की भी संभावना बनेगी। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से गुरु का मीन राशि में गोचर शुभ फलदायक रहना चाहिए। बेरोजगारों को नौकरी के अवसर प्राप्त होंगे। वही नौकरी पेशा वर्ग को पदोन्नति या वेतन वृद्धि के अवसर प्राप्त होंगे। यदि आप किसी अपेक्षित स्थान पर स्थानांतरण चाहते हैं तो वह भी संभव होगा। उच्चाधिकारियों से अच्छे संबंध बनेंगे तथा आपके कार्यों की प्रशंसा की जाएगी। सहकर्मी भी अपेक्षित सहयोग करेंगे। पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। व्यवसायियों के लिए भी यह गोचरावधि शुभ फलदायक रहनी चाहिए। व्यवसाय विस्तार के योग है। वही व्यवसाय में अपेक्षित उन्नति संभव होगी। अटका हुआ पेमेंट प्राप्त होगा तथा निवेश से अच्छा धन लाभ होगा। नए क्षेत्रों में निवेश के अवसर भी आएंगे। सरकारी विभागों में चल रही फाइलों को गति मिलेगी एवं मनोनुकूल निर्णय हो पाएंगे। विद्यार्थियों एवं प्रतियोगिता परीक्षार्थियों की दृष्टि से भी गुरु का यह गोचर शुभ फलदायक रहना चाहिए। अध्ययन से संबंधित योजनाएं क्रियान्वित होंगी और आप एकाग्रता के साथ अध्ययन कर पाएंगे। कक्षा एवं संस्थान में आपकी छवि बेहतर होगी। गुरुजन भी आपके हितों का ख्याल रखेंगे। परीक्षाओं में
अपेक्षित प्रदर्शन संभव होगा। प्रतियोगिता परीक्षार्थियों के लिए भी शुभ समाचार प्राप्ति के योग है। इस गोचर अवधि में दी गई परीक्षाओं में बेहतर परीक्षा परिणाम प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। गुरु के शुभ फलों में वृद्धि के लिए कुछ उपाय किए जाने चाहिए। 10 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करना चाहिए। ओम ब्रूम बृहस्पतये नमः मंत्र का अधिकाधिक जप करें। लक्ष्मी नारायण जी की पूजा उपासना करें तथा पुरुष सूक्त एवं श्री सूक्त का नित्य पाठ करें। आध्यात्मिक गुरु बनाए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। गोत्र के ऋषि का चित्र फ्रेम करवाकर घर में लगाए और उनकी नित्य धूप दीप दिखाकर पूजा करें। ज्योतिष एवं धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए।